दुर्ग के पद्मनापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिवार को हुई दर्दनाक घटना में एक महिला की हाइवा की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को मर्चुरी भिजवाया। दुर्ग के बोरसी मार्ग से जा रहे पिता और बेटी अचानक पास से गुजर रही हाइवा ट्रक के पिछले चक्के के चपेट में आ गए। इससे दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें घटनास्थल पर ही महिला की मौत हो गई। शनिवार को बोरसी मार्ग स्थित कलकत्ता स्वीट्स के सामने हाइवा ट्रक के बगल से गुजर रहे पिता के साथ स्कूटी में बैठकर जा रही महिला ट्रक के पिछले पहिए में आ गई और महिला की मौके पर मौत हो गई। मृतका की पहचान दुर्ग की बोरसी निवासी स्वाति पटेल के रूप में की गई है। आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में कि किस तरह से ये दर्दनाक हादसा हुआ था। इस घटना में स्कूटी में सवार दोनों बाप बेटी अचानक हाइवा की चपेट में आकर गिर पड़े और मृतका स्वाति पटेल ट्रक के पिछले पहिए पर जा फंसी। वहीं महिला के पिता अलग दूर फेंका गए, जिसमें महिला के पिता सुरक्षित बच गए। इस संबंध में पद्मनापुर थाना प्रभारी अंबिका प्रसाद ध्रुव प्रतिक्रिया दी। बहुत दुखद घटना है। घटना स्थल है न्यू कोलकाता सीट के सामने मेन रोड की है। हाइवा ट्रक और स्कूटी सवार जो महिला है वो पैरेलल चल रहे थे, अचानक पीछे सीट में बैठी महिला गिर गई और वो हाइवा के पीछे चक्के में आ गई, जिसका ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। और पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, आजू बाजू वाले भी तुरंत पहुंचे, पुलिस भी पहुंचा और तुरंत डेड बॉडी को मर्चुरी भिजवाया गया है और हाइवा को थाना में खड़ा करा दिया गया है। आवागमन सामान्य है, किसी प्रकार का कोई भी विवाद की स्थिति नहीं है और पुलिस घटना की जाँच लग गई है। मृतिका का नाम है स्वाति पटेल है, पति शैलेंद्र पटेल, उसका उम्र 34 वर्ष है, जो बोरसी भाटा बोरसी नवजीवन स्कूल के पास का रेसिडेंट है। अपने पिता के साथ वो एक्टिवा में महाराजा चौक तरफ से आ रही थी, ऐसा देखने से पता चल रहा है सीसीटीवी फुटेज से। अचानक एक घटना हो गया। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।